नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए जनरल नॉलेज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शंस होंगे आपके ऑप्शन ए 7 गुरु, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 10। जी हां दोस्तों, सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन हैं आपके ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर एंड ऑप्शन डी जहांगीर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बाबर। जी हाँ दोस्तों, मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? तो ऑप्शन हैं आपके ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने कराया था? तो मोती मस्जिद का जो निर्माण हुआ है वो किस शासक ने कराया था? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोती मस्जिद है कहाँ पे। तो ये मोती मस्जिद जो है वो ताजमहल के अंदर है दोस्तों, और ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। तो मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सौरमंडल के किस ग्रह के लिए लाल ग्रह कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्रवार एंड ऑप्शन डी बृहस्पति। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मंगल। जी हां दोस्तों, मंगल के लिए लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र एंड ऑप्शन डी अरुण। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हैं आपके ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र एंड ऑप्शन डी होगा आपका पृथ्वी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वी। तो दोस्तों, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है पृथ्वी के लिए और लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल के लिए। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, नीला ग्रह पृथ्वी और लाल ग्रह मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन हैं आपके ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी टाइटन, ऑप्शन सी मैनीमीड एंड ऑप्शन डी होगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैनीमीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वर्ष 1942 में, ऑप्शन बी 1943 में, ऑप्शन सी 1944 में एंड ऑप्शन डी 1945 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए
वर्ष 1942, क्रिप्स मिशन भारत वर्ष 1942 में आया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शंस हैं 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन बी 17 अगस्त 1946 को, ऑप्शन सी 18 अगस्त 1946 को एंड ऑप्शन डी 19 अगस्त 1946 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 16 अगस्त 1946। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।